अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बंद कलेजी, जो मार्केट में मिलती है, हम जगह जगह पे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये खड़ी कलेजी पहले हम बनाएंगे। तो हमने कलेजी को साफ़ करके धो के इसको क्यूब्स में काट लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हमारे पास 1/2 kg कलेजी है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून सब चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, और धनिया 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ गरम मसाला मिक्स 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। फिर हम टेस्ट करके ऊपर से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये सारे खड़े मसाले हैं जो इसमें ऐड हो के अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको 2 घंटे में भी ये मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ तेल या घी, जो आपको पसंद हो। इधर मैंने 1 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल इसका जूस निकाल लिया है और प्यूरे बना के इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं भुनूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा मसाला अच्छा लगता है, तो इसलिए 1 ही टमाटर लेना है हमें। अब इसको अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा इसमें घी में इसको फ्राई करेंगे, और यहाँ पर ये जो मैरिनेट की हुई थी कलेजी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से इसको बुनते जाएंगे, तेज़ फ्लेम पे ही बुनना है हमें इसको। जितनी तेज़ फ्लेम होगी इतना अच्छा ये कलेजी का टेक्सचर आएगा, क्योंकि ये है हमारी खड़े मसाले की कलेजी, तो इसको तेज़ आंच पे ही बुना जाता है। आपने देखा होगा बाहर रेड़ी पे जो मिलते हैं वो लोग लेके इसी तरीके से तवे के ऊपर इस तरीके से बुनते हैं, तो इसका मसाला बहुत टेस्टी बन के सामने आता है। इस तरीके से हम इसको भी बुनेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए कितनी अच्छी बुनाई हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही का, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से बुनना ही है, इसका सारा टेक्सचर आता है बुनने के बाद। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मक्खन, इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू हो जाती है ये बनने के बाद। इसी तरीके से देखें कितना अच्छा इसका लुक भी आ गया, बिल्कुल बाजार जैसा कलर और टेक्सचर आ गया है इसका। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा, और इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। अब देखें कितना अच्छा इसका लुक आ गया। अब मेरे पास ये कुछ बन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसी तरीके से हम इसी मसाले के ऊपर स्लो फ्लेम पे मैंने तवा रखा हुआ है, और इस तरीके से हम इसको डाल डाल के निकालते जाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम डाल के इसको निकालते भी जाएंगे ताकि इसका मसाला भी इसमें लग जाए और ज़्यादा चिकनाहट भी ना हो, ताकि हल्का सा बस इसमें जो भी था मक्खन उसी पे मैंने इसको हल्का हल्का गरम कर लिया। देखिए मसाला भी इसमें अच्छी तरीके से चिपक गया है जो इसका रखा हुआ था। अब इसमें हम कलेजी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे। इतना टेस्टी बनता है कि आप यकीन करें बाजार जैसी ही कलेजी खाएंगे। और मेरे पास कुछ इमली की चटनी पड़ी हुई थी, वो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया। आपके पास केचप हो, इमली हो, जो आपको पसंद हो वो आप ऐड करके इसके ऊपर रख के बन लगा के आप खा सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए, घर की चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है, तो ये बन जाता है आसानी से। देखिए कितनी जल्दी बन गया, आपके सामने ही पूरी वीडियो मैंने बनाई है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपीज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।